HTML, CSS, JavaScript ये सब हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यही पता होना ज़रूरी होता है कि वेबसाइट्स एक्चुअली काम कैसे करती है, इंटरनेट से आपके पास कैसे वेबसाइट आ रही होती है, उसके बाद ही आप लोग आगे मूव कर रहे होंगे। तो ये सब का सब काम होता है आपके ब्राउजर्स की हेल्प से। ब्राउजर जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज, इसके अलावा और भी मल्टीपल ब्राउजर होते हैं, आप लोग यूज़ करते होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो ये ब्राउजर्स करते क्या हैं, इंटरनेट के ऊपर रखे हुए सर्वर से डेटा लेके आते हैं, ठीक है, फाइल्स लेके आते हैं, वेबसाइट्स लेके आते हैं, और आपकी लोकल मशीन पर, आपके फ़ोन में या फिर आपके कंप्यूटर में शो करते हैं। तो इंटरनेट से आपके पास एक्चुअली क्या आ रहा होता है, कुछ फाइल्स आ रही होती हैं, वो फाइल होते हैं आपके HTML फाइल, CSS फाइल और JavaScript फाइल्स, वो कुछ इस तरीके से आ रहे होते हैं। यहाँ पर हमने क्रोम ब्राउजर का एग्जांपल ले लिया, लेकिन सारे के सारे ब्राउजर इसी तरीके से काम करते हैं। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हो और वहाँ पर सर्च करते हो कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल हम सर्च करते हैं www.wikipedia.org, तो आपका ब्राउज़र करता क्या है, सबसे पहले उसका आईपी एड्रेस लेके आता है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और आपके ब्राउज़र को नहीं पता किस जगह पर जाना है, एड्रेस नहीं पता उसे, तो उसके लिए वो आईपी एड्रेस लेके आता है। ये आईपी एड्रेस उसे मिलता है एक सर्वर के ऊपर जिसका नाम है डोमेन नेम सर्वर। इस डोमेन नेम सर्वर का पता है क्रोम को, हर ब्राउज़र को पता है कि कहाँ पर होता है ये, जिससे कि ये मल्टीपल वेबसाइट के एड्रेस लेके आ सकता है। डोमेन नेम सर्वर अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो बेसिकली एक सर्वर है जहाँ पर जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उन सभी के आईपी एड्रेस, उनका एक्चुअल एड्रेस, इंटरनेट पर जो एड्रेस होता है वो स्टोर्ड होता है। ये डोमेन नेम सर्वर ढूंढेगा अच्छा wikipedia.org कहाँ पर है, और उसका एक्चुअल आईपी एड्रेस जो होता है वो आपको ला के दे देगा, ठीक है। तो 2080154.224 ये एक्चुअल आईपी एड्रेस है इस wikipedia.org का। जब इसको ये आई पी एड्रेस मिल गया तो इसे पता है, क्रोम को पता है कि मुझे कहाँ पर जाना है इंटरनेट के ऊपर, जहाँ से मैं ये फाइल्स wikipedia.org से रिलेटेड फाइल्स लेके आ सकता हूँ। तो ये उस सर्वर को ढूंढेगा क्योंकि उसे एड्रेस पता है। ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे आपके लेटर के अंदर आपका एड्रेस लिखा होता है और आपके पोस्टमैन को पता होता है कि किस एड्रेस पे इस लेटर को लेके जाना है, बिल्कुल वैसे ही इसे मिल जाएगा वो सर्वर, और उस सर्वर से ये करेगा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इससे रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं वो ला के दे दो। तो ये सर्वर भेजेगा फिर रिस्पॉन्स, ठीक है, और रिस्पॉन्स के अंदर ये फाइल्स भेजेगा आपको ये HTML, CSS और JavaScript। ये फाइल्स जो होंगी आपका ब्राउज़र जो है वो आपके फ़ोन या फिर आपके लैपटॉप में शो कर देगा। आपको दिख रहा होगा कितने नीट तरीके से आपका ब्राउज़र्स वेबसाइट्स को फैच करके लाता है डिफरेंट डिफरेंट सर्वर से। तो आपके रिक्वेस्ट करते ही एंटर दबाने के बाद ये सारा काम हो जाता है मिली सेकेंड्स के अंदर। डोमेन नेम सर्वर पर जाना, आईपी एड्रेस ढूंढना, उसके बाद सर्वर ढूंढना, सर्वर से डेटा फैच करके आप तक लाना, आपके इंटरनेट स्पीड अगर अच्छी होगी तो मिली सेकेंड्स के अंदर ये सारा काम हो जाता है। तो अब समझते हैं ये जो फाइल्स हैं HTML, CSS और JavaScript, इन फाइल्स के अंदर होता क्या है। इन तीनों फाइल्स को समझेंगे एक एनालॉजी की हेल्प से। सपोज करो आपको एक ह्यूमन बनाना है, ह्यूमन बनाने के लिए आप लोगों को एक स्केलेटन चाहिए, उस स्केलेटन के ऊपर आप लोगों को मसल्स चढ़ानी है और मसल्स के ऊपर आप लोगों को एक स्किन चढ़ानी है। ये तीनों काम कर दोगे तो आप लोग का ह्यूमन बनकर तैयार हो जाएगा। वेल, ऐसा ही कुछ होता है आप लोगों की वेबसाइट्स के अंदर। आप लोगों की वेबसाइट्स के अंदर आप लोगों को पहले कंटेंट चाहिए होता है विच इज़ HTML। उस कंटेंट को आप लोगों को सुंदर बनाना है तो उसके ऊपर आप लोगों को चाहिए होगा CSS, और वो कंटेंट से कुछ काम भी हो सके, कहीं पे बटन पे क्लिक कर रहे हो तो कुछ काम हो रहा है, कहीं पे आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो कुछ काम हो रहा है। ये सारा काम करने के लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको चाहिए होगा मसल, विच इज़ JavaScript। इसी तरीके से आप लोगों की वेबसाइट्स काम भी करती हैं। आपकी वेबसाइट्स को चाहिए होता है कंटेंट, उसके बाद उसको चाहिए होता है कुछ सुंदरता बढ़ाने के लिए CSS, और उसको रिस्पॉन्सिव, उसको उसके अंदर कुछ जान डालने के लिए चाहिए होते हैं आपको मसल्स, विच इज़ JavaScript। इन तीनों फाइल्स को लेके आता है आपका ब्राउज़र और आपके फ़ोन या फिर आपके लैपटॉप में शो कर देता है। अब एक एक करके इन तीनों फाइल्स को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे HTML की, अभी हम CSS और JavaScript को भी देखेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बस बहुत ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके बाद हम HTML के ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियोज़ आ रही होंगी, फिर CSS के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ होंगी, देन JavaScript के ऊपर। अभी फिलहाल हम बस एक ऊपर समझ रहे हैं कि तीनों फाइल्स का काम क्या होता है, तीनों फाइल्स की सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं HTML फाइल की। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, ठीक है। इसकी हेल्प से आप लोग वेब पेजेस बनाते हो। ये एक्चुअली कंटेंट होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्केलेटन होता है वैसे ही वेबसाइट्स का जो स्केलेटन होता है, वेबसाइट का जो कंटेंट, जो ढांचा होता है वो आपका HTML होता है। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। HTML कंसिस्ट्स अ सीरीज ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स की हेल्प से आप लोगों की पूरी HTML बन रही होती है। इन सभी एलिमेंट्स को हम पढ़ रहे होंगे डिटेल में, आप लोगों का हेड टैग, बॉडी टैग, हेडर्स, पैराग्राफ, फॉर्म, बटन, ये बहुत सारे टाइप के टैग्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप लोगों का एक HTML फाइल बन रही होती है। ये जो HTML एलिमेंट्स होते हैं, दे टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। इन्हीं की हेल्प से आपके ब्राउजर को पता चलता है अच्छा मुझे क्या क्या कंटेंट एक्चुअली में दिखाना है वेबसाइट के ऊपर। अब हम बात करते हैं CSS की। तो CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन और पेपर और इन अदर मीडिया। तो किस तरीके से आपका जो डेटा है, जो कंटेंट है, वो शो होगा। तो ये जो ऊपर आपका ह्यूमन स्केलेटन था, इसके ऊपर किस टाइप की स्किन टोन होगी या फिर उसको क्या चीज़ पहनानी है,
कौन से कपड़े पहनाने हैं, वो एक्चुअली CSS का काम होता है कि आप लोगों की जो वेबसाइट के जो अंदर जो कंटेंट है वो एक्चुअली दिखेगा कैसा। एक टाइप का बटन होता है, वो बटन मल्टीपल तरीके से दिख सकता है, राइट। आपका स्क्वायर बटन भी हो सकता है, आपका सर्कुलर बटन हो सकता है, तो वो किस तरीके से वो बटन दिखना चाहिए वो काम होता है आपका CSS का। HTML का काम होता है कि हाँ भाई एक बटन दिखना चाहिए, कैसे भी करके एक बटन दिखना चाहिए, लेकिन वो बटन किस तरीके से दिखेगा वो काम होता है आपका CSS का। तो जितनी भी स्टाइलिंग होती है वो सारा काम होता है CSS का। CSS saves a lot of work, it can control the layout of multiple web pages all at once. तो CSS की हेल्प से आप लोग different web pages के layout को एक साथ चेंज कर सकते हो, वो हम देखेंगे आगे जब हम CSS पढ़ रहे होंगे। CSS को पढ़ने के लिए हम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड टाइम दे रहे होंगे यार, बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे जिनसे कि आप लोग सुंदर सुंदर वेबसाइट बना सको जो कि रिस्पॉन्सिव होंगी, मतलब फ़ोन में अलग तरीके से बिहेव करें, लैपटॉप के अंदर अलग तरीके से बिहेव करें। इसके अलावा एनिमेशंस वगैरह डालनी है, एलिमेंट्स को सेंटर करना है, लेफ्ट राइट अलाइन करना है, ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे इस कोर्स के अंदर। CSS के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला जाएगा इस कोर्स के अंदर। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक बहुत ही कमाल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से आप लोग ब्राउजर के अंदर जो HTML का जो कंटेंट है उसको कुछ बिहेवियर दे सकते हो। CSS की हेल्प से आप लोग स्टाइलिंग दे सकते हो, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप लोग बिहेवियर दे सकते हो। अच्छा, एक और कमाल का पॉइंट याद रखो कि कोई भी वेबसाइट अगर आप लोगों को दिखानी है तो बिना CSS और बिना जावास्क्रिप्ट के भी बन सकती है, लेकिन बिना HTML की कोई भी वेबसाइट नहीं बन सकती इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट ऑफन एब्रिविएटेड JS इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज वन ऑफ द कोर टेक्नोलॉजी ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब अलोंगसाइड HTML एंड CSS। सेकंड पॉइंट इज इट इज अ लाइटवेट इंटरप्रेटेड और जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद फर्स्ट क्लास फंक्शंस। तो अगर ये लाइन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई तो जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ रहे होंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगी। बेसिकली ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब फंक्शंस को आप लोग वेरिएबल्स की तरह पास कर सकते हो। ये एक इन टाइम कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है, इनका मतलब हम समझ रहे होंगे। तो जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ अगर बोन्स होंगे तो बोन्स आपकी बॉडी को हिला नहीं सकते, राइट। वो आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दे देंगे, स्केलेटन्स जो होंगे, लेकिन आप लोगों की बॉडी को मूव करने के लिए मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वही काम आपका वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट कर रहे होता है किसी भी बिहेवियर को करने के लिए। तो ऊपर जो आपने बटन्स बनाए थे, इन बटन्स के एक्चुअली क्लिक करने पे होना क्या चाहिए, क्या खुलना चाहिए, कौन सी चीज़ लोड करनी चाहिए, या फिर डिफरेंट टाइप के जो बिहेवियर्स होते हैं, या फिर अगर आप लोगों को बटन्स को मॉडिफाई करना है, आपके बटन क्लिक होने पर किसी डेटा को 1 से 2 करना है, तो ये सारा काम हो रहा होता है आपके जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही। ये सब हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट जो हम पढ़ रहे होंगे अच्छे से। तो अब हमें धीरे धीरे करके आइडिया लगने लग गया होगा कि वेबसाइट एक्चुअली काम कैसे करती है। एक वेबसाइट को 3 फाइल्स की जरूरत होती है, एक होती है HTML फाइल, एक होती है CSS फाइल और एक होती है जावास्क्रिप्ट फाइल। ये होती है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। हमने यहाँ पर कुछ नोमेनक्लेचर रखा हुआ है, कुछ नाम रखा हुआ है। ये आपका ज़्यादातर आप देखोगे ना, जितनी भी फाइल है इंटरनेट के ऊपर वो ज़्यादातर इसी टाइप के नाम को फॉलो करती हैं। HTML फाइल का नाम रखा जाता है index.html, CSS फाइल का नाम रखा जाता है style.css और जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम रखा जाता है script.js। इसके अलावा कुछ भी और भी नाम रख सकते हो, अभी हम देखेंगे इन सभी चीज़ों को डिटेल में, लेकिन ये आपका एक कन्वेंशन होता है index.html, style.css और script.js। अब जरा एक काम करते हैं, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। wikipedia.org पे जाते हैं, wikipedia.org, और हमारे पास यहाँ पर वेबसाइट लोड हो गई है हमारे ब्राउज़र के अंदर। अब जरा देखते हैं इस वेबसाइट के अंदर एक्चुअली हमारे को मिला क्या क्या है। तो हम राइट क्लिक करेंगे ब्राउज़र के अंदर और क्लिक करेंगे व्यू पेज सोर्स के ऊपर। इससे हुआ क्या, हमारा जो भी वेबसाइट के अंदर कंटेंट आया था वो सारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास कुछ HTML आया है, राइट। हमारे पास कुछ HTML है, इसके अंदर कुछ स्टाइल भी आया हुआ है, राइट। आप देख रहे हो यहाँ पर स्टाइल भी लिखा हुआ है। तो ये वेबसाइट कैसी दिखेगी, राइट, ये वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए कि सेंटर में ये इमेज आनी चाहिए और ये जो टेक्स्ट है ये ऐसे दिखने चाहिए, ये वेबसाइट कैसी दिखेगी, ये सारा चीज़ हमारे स्टाइल के अंदर डिफाइंड है। ये एक्चुअली आपका CSS होता है और इसके बाद आपका एक्चुअल कंटेंट है, राइट। ये आपके HTML का कंटेंट है, ये बहुत सारा कंटेंट है इसके अंदर जो पूरा का पूरा शोर है आपकी वेबसाइट के अंदर। और सबसे नीचे यहाँ पर होनी चाहिए स्क्रिप्ट, और ये हमारी जावास्क्रिप्ट है। ये एक्चुअली बताती है कि हमारी वेबसाइट कैसे फंक्शन करनी चाहिए, जैसे अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो तो क्या चीज़ दिखनी चाहिए। ये सारा काम हो रहा है हमारे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो आप लोगों को दिख गया होगा कि HTML कैसे आ रहा होता है, CSS कैसे आ रहा होता है और जावास्क्रिप्ट कैसे आ रहा होता है। अब हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे HTML कैसे काम करता है। तो आप देखोगे किस तरीके से ये विकिपीडिया का जो कंटेंट है वो आप लोग बना सकते हो, खुद से कंटेंट बना सकते हो। उसके बाद आप लोग उसको स्टाइल कैसे कर रहे होंगे वो हम देखेंगे CSS के टाइम पर, और उसके अंदर आप लोग कैसे बिहेवियर डाल सकते हो, क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, चीज़ें कैसे ओपन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे जावास्क्रिप्ट पढ़ते टाइम। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ये वाली PDF और इसके अलावा जितने भी PDFs होंगी इस कोर्स के अंदर वो सारी आप लोगों को अवेलेबल होंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोगों को जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ये सारी PDF डलती रहेंगी, तो जाके आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।